प्रातःकाल दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर गौतम बुद्ध के सभी शिष्य एकत्र हो गए। गौतम बुद्ध ने संदेश देना आरंभ किया। वे बोले, आज मैं तुम्हें ऐसे व्यक्ति की कथा सुनाता हूँ जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वह दुखी था। गौतम बुद्ध ने कहना आरंभ किया, किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति थी, बहुत बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर थे, फिर भी सेठ के मन को शांति नहीं थी। एक दिन किसी ने उसे बताया कि यहाँ पास के ही एक नगर में एक साधु रहता है। वह लोगों को ऐसी सिद्धि प्राप्त करा देता है कि उससे मनचाही वस्तु मिल जाती है। सेठ उस साधु के पास गया और उसे प्रणाम करके निवेदन किया, महाराज मेरे पास धन की कमी नहीं है, पर फिर भी मेरा मन बहुत अशांत रहता है। आप कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि मेरी अशांति दूर हो जाए। सेठ ने सोचा कि साधु बाबा उसे कोई ताबीज दे देंगे या और कुछ कर देंगे जिससे उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी और उसका मन हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। लेकिन साधु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि अगले दिन उसने सेठ को धूप में बिठाए रखा और स्वयं अपनी कुटिया के अंदर छाया में जाकर चैन से बैठा रहा। गर्मी के दिन थे, सेठ का बुरा हाल हो गया। उसको बहुत गुस्सा आया, पर उसने किसी तरीके से खुद को शांत रखा। दूसरे दिन साधु ने कहा, आज तुम्हें दिन भर खाना नहीं मिलेगा। भूख के मारे दिन भर सेठ के पेट में चूहे कूदते रहे, अन्न का एक दाना भी उसके मुंह में नहीं गया। लेकिन उसने देखा कि साधु ने तरह तरह के पकवान उसी के सामने बैठकर बड़े आनंद से खाए। सेठ उस रात बहुत परेशान रहा, वह एक क्षण को भी नहीं सो पाया, उसे नींद ही नहीं आई। वह रात भर सोचता रहा कि साधु तो बड़ा स्वार्थी निकला। तीसरे दिन सवेरा होते ही उसने अपना बिस्तर बांधा और चलने को तैयार हो गया। तभी साधु बाबा उसके सामने आकर खड़े हो गए और बोले, सेठ क्या हुआ? सेठ ने कहा, मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ भी नहीं मिला। उल्टे मुझे ऐसी मुसीबतें उठानी पड़ी जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं उठाई, इसलिए मैं जा रहा हूँ। साधु हंसकर बोला, मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया पर तूने कुछ भी नहीं लिया। सेठ ने आश्चर्य के भाव से साधु की ओर देखा और बोला, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। साधु ने कहा, सेठ पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बिठाया और स्वयं छाया में बैठा रहा, तब मैंने तुम्हें बताया कि मेरी छाया तेरे काम नहीं आ सकती। जब मेरी बात तेरी समझ में नहीं आई तो दूसरे दिन मैंने तुम्हें भूखा रखा और स्वयं खूब अच्छी तरह खाना खाया। उससे मैंने तुम्हें समझाया कि मेरे खा लेने से तेरा पेट नहीं भर सकता। सेठ याद रख, मेरी साधना से तुझे सिद्धि नहीं मिलेगी। तूने अपना धन अपनी मेहनत से कमाया है और शांति भी तुझे अपने पुरुषार्थ, साधना और अपनी मेहनत से ही मिलेगी। सेठ की आंखें खुल गई, अब उसे अपनी मंजिल पर पहुंचने का रास्ता मिल गया था। साधु के प्रति आभार व्यक्त करता हुआ वह अपने घर लौट आया।